लिया मैंने कढ़ी और कचौड़ी, 20 रुपए का दिया है एक कचौड़ी और कढ़ी। अब इसको खाते हैं। पानी खत्म इसलिए जूस पी रहे हैं। ये देखो कैसे छोटा हाथी पे दुकान बना रखा है। क्या नाम है अंकल आपका? हाँ तो गुड आफ्टरनून मेरे दोस्तों, नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो आप देख सकते हो मैंने गाड़ी लोड कर लिया फेसवर से, और राजस्थान माउंट अबू के लिए गाड़ी लोड हुई है हमारी। तो नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो आप सबसे विनती है, जो हम लोग बहुत दूर जा रहे माल लोड करके, तो थोड़ा सहायता करें, आप लोग सब्सक्राइब और लाइक करें। और दूसरी बात ये है कि गाड़ी अपनी लोड हो चुकी है, नहा धो के फ्रेश है, खाना वाना खा लिया हमने घर पर, बिल्कुल घर से तैयार हो करके गाड़ी में सारा कुछ रेडी है, और अब माउंट अबू राजस्थान के लिए हम रजवाड़ा झील की तरफ निकल रहे हैं। हाँ तो मेरे दर्शकों, देख सकते हो गाड़ी अपनी लोड हो गई है। हमने क्या क्या तैयारी की है वो आपको दिखाएंगे बाद में। देखो हमने तिरपाल डाल दिया ऊपर छत पे, क्योंकि हो सकता है स्कूल का सामान है, हो सकता है कहीं बारिश हो, इसलिए हमने तिरपाल बांध दिया। माल लोड है पूरा, गाड़ी में ढोलक तबला सब है, इसमें किताब उताब है, सब सारे सामान है, स्कूल में ये दिया जा रहा है। देख सकते हो सारी तैयारी हो गई है, गाड़ी लॉक हो रही है, दरवाजा बंद है, ठीक है। देखो बड़े हैं हमारे इलेक्ट्रिक मिस्त्री है सर, आप इलेक्ट्रिक। अच्छा अच्छा, पाइपलाइन के, पाइपलाइन के, फिर नेट वाले, नेट वाले, नेट वाले हमारे सर, इन्होंने पूरे दिल्ली को खोद रखा, देख लो जगह जगह खड्डे खोद देते हो, तो आपके घर के आसपास से खड्डे हो तो इनको आप बुला सकते हो। हाँ तो मेरे दर्शकों, अब आपको मैं रास्ते बता दूं कैसे कैसे जा रहा हूँ। मयूरगढ़ फेज वन से निकला हूँ मैं, अब ये जमुना पार करूंगा, अक्षरधाम के सामने से गुजरते हुए सराय काले खा होते हुए सीधा गुड़गांव पहुंचेंगे। अब गुड़गांव से निकलता हुआ सीधा निकलेंगे जयपुर, जयपुर से अजमेर, और अजमेर से फिर माउंट आबू, तो यही रूट होगा अपना। अभी तो फिलहाल हम दिल्ली से निकल रहे, दिल्ली का रोड देखो आप। आज की जो अपनी ट्रिप है वो पूरे 800 किलोमीटर की है, और इस ट्रिप के 3-4 एपिसोड बनेंगे जो आप पूरे देख रहे हैं। पूरे क्यों देख रहे हैं? क्योंकि रूट बड़ा मज़ेदार है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर रूट है, क्योंकि हम पूरे पहाड़ों में जा रहे हैं और एकदम पहाड़ों से होते हुए ही जाएंगे जयपुर वगैरह होते हुए। जयपुर आपको पता है पूरा पहाड़ी इलाका है, उसके बाद अजमेर आएगा, वो भी बहुत सुंदर राज्य है, मतलब शहर है। वहाँ से हर जगह होते हुए हम लोग राजस्थान के बॉर्डर पे, एकदम लास्ट में, मतलब गुजरात राजस्थान के बॉर्डर पे जो अपना उदयपुर है वहाँ पे जाएंगे हम लोग माउंट आबू। तो चलिए फिर आपको दिखाते हैं पूरा एकदम सफ़र। अभी फ़िलहाल अपना भाड़ा जो है वो 18,000 रुपये का है, जिसमें से अभी फ़िलहाल कोई खर्चा नहीं हुआ है, गाड़ी में हमने गैस वैस कुछ नहीं भराया है। तो निकल रहे हैं अभी। सो अभी टाइम क्या हो रहा है? टाइम अभी 2 बज रहे हैं दोपहर के, और माल अपना शायद से कल खाली होगा शाम में, देखते हैं हम लोग को कितना टाइम लगेगा 800 किलोमीटर पहुंचने में। पंप पे रुके हैं, गैस भरा लेते हैं, यहाँ पे फुल करा लेंगे, देखते हैं कितने का गैस आता है, फिर आपको दिखाते हैं। क्योंकि हरियाणा में गैस महंगा है, इसलिए दिल्ली में ही भरा रहे हैं। क्या 74 रुपये चल रहा है अभी, 10:15 के आसपास आई है गैस, देख लो। हाँ तो मेरे दोस्तों, आज अपनी गाड़ी बन गई सुपर फास्ट एक्सप्रेस, क्योंकि हम पे नाम रखा गया है, जो भैया कल एग्जीबिशन है स्कूल में 9 बजे स्कूल से शुरू हो जाएगा, तो 8 बजे तक हमें पहुँचना 800 किलोमीटर। आज 3 बजे हम अभी नेपालपुर के पास है, एयरपोर्ट के पास, और अभी यहाँ से 780 किलोमीटर अपना लोकेशन बचा हुआ है, और ये हमें 15 घंटे में तय करनी है। तो मेरे दोस्तों देखते हैं 15 घंटे में पहुंच पाते हैं कि नहीं, हम पूरा कोशिश करेंगे, क्योंकि 2,000 रुपये इनाम की बात है, और 2,000 रुपये मेरे लिए बहुत बड़ी रकम है, इसलिए पूरा जान ची लगा देंगे और कोशिश करेंगे। उन्होंने 15 घंटे का हमें टाइम दिया है, लेकिन हम कोशिश करेंगे उससे भी कम से कम पे पहुँचाने की, लेकिन मुझे नहीं लगता इतने से कम में पहुँच पाएगी, क्योंकि दूरी लंबी है और सफ़र भी अपना लंबा है। इसलिए बॉस गाड़ी लगातार चलाना भी मुश्किल है, जो लगातार हम 20 घंटे तक चला दें, क्योंकि नामुमकिन है, गाड़ी है ये गर्म भी होती है, इसलिए इस हिसाब से हमें थोड़ा हिसाब से चलना होगा, लेकिन हम कोशिश करेंगे, हम बिल्कुल पूरी कोशिश करेंगे जो गाड़ी 15 से 15 घंटे में हम पहुँचा दें। तो दोस्तों मेरे, उदयपुर के लिए हम जा रहे हैं और अपना इनाम जीतने की कोशिश करते हैं, 2,000 रुपये इनाम है, देखते ऊपर वाला क्या करता है।
ये आ गया अपना सबसे पहला टूल मानेश्वर का, मानेश्वर का टूल अपना सबसे पहला टूल हो गया। अब हरियाणा में एंट्री कर चुके हैं, हम हरियाणा में एंट्री पहले कर चुके हैं, गुरगामा का टूल टैक्स पार करके आज मानेश्वर का टूल है ये। अब यहाँ से मानेश्वर लग जाता है, अब यहाँ से यानी हरियाणा लग जाता है, यानी कि अब यहाँ से हम निकल जाता है। ये आ गया टूल वाला, धाक रहा है, देख रहे हो, वेरी गुड, हाथों से हिला रहा है, मतलब हाथों से लगा रहा है। मात्र हमने एक घंटे में 63 किलोमीटर का सफर तय कर दिया है, एकदम सुपर फास्ट एक्सप्रेस बन के अपनी गाड़ी चल रही है, मंडी की गाड़ी से भी तेज, और देखते हैं अब कितनी देर में हम लोग 800 किलोमीटर पहुंचते हैं। तो बिल्कुल पूरी कड़ी मेहनत के साथ हमने गाड़ी भगाना शुरू किया, और बिल्कुल मेहनत और लगन से गाड़ी भगाएंगे बिल्कुल हम, और देखेंगे जो एक घंटे में, तो फिलहाल हमने 63 किलोमीटर तय किया है, और आगे देखते हैं कितने घंटे में पूरे कितने किलोमीटर तय हो जाते हैं, जयपुर हम कब तक पहुंच जाते हैं। तो टाइम हमने बता ही दिया था आपको कितने बजे चले थे दिल्ली से, तो अब देखते हैं जयपुर पहुंच के कितने टाइम में जयपुर तक पहुंचते हैं, फिर आगे की सफर देखेंगे कितना बचता है जयपुर। ये देखो दोस्तों, ये टूटा हुआ पुल देखो कितना बढ़िया व्यू है, फ्लाईओवर है, अब ये नया फ्लाईओवर बन गया, इसके बराबर में तो दोनों हट गया, दो फ्लाईओवर थे आने का आने जाने का अलग, अब अलग अलग नए बन गए। ये देखो दोस्तों, राजस्थान में घुसते ही पहाड़ी इलाका शुरू हो चुका है, चारों तरफ केवल पहाड़ी पहाड़ अब दिखने लगे हैं, और बहुत ही ज्यादा सुंदर रोड है ये। सामने टोल प्लाजा भी आ रहा है, राजस्थान का सबसे पहला टोल। तो दोस्तों, अपना पिछला वाला टूल 80 रुपए का कटा था, और अभी जब ये पार होगा तब देखते हैं ये कितने का कटेगा। ये राजस्थान में घुसते ही ये सबसे पहला टूल आया है अभी। कढ़ी कचौरी वाला पीछे भी बहुत था, और खास बात दोस्त यहाँ ना कचौरी के साथ कढ़ी मिलता है राजस्थान में। राजस्थान में तो बड़ा ही मतलब ताज्जुब वाला बात है, जो कढ़ी और कचौरी, ये आपने शायद सुने तो होंगे, खाए भी होंगे कुछ लोग, लेकिन मेरे लिए खास है कढ़ी और कचौरी, ताज्जुब लगता मुझे, क्योंकि हर पर कढ़ी चटनी देखा हमने, कढ़ी सब्जी देखा हमने, और कढ़ी के साथ बहुत कुछ देखा हमने, लेकिन कचौरी के साथ कढ़ी ना, ये मतलब अब ये बात हजम नहीं हो रही है। तो हजम कचौरी हम खा के दिखाते हैं आपको, पिछली बार एक बार रुके थे हम यहाँ कढ़ी कचौरी, पिछली बार खाटू श्याम जाते वक्त हम यहाँ पे रुके थे कढ़ी कचौरी खाने के लिए, और आज एक और बात रुके है यही पे कढ़ी कचौड़ी खाने के लिए। शायद ये वही दुकान है शायद, और देखो यही अगली वाली ये वही दुकान है, इस पे हमने पिछली बार कढ़ी कचौड़ी खाया था, और आज हम फिर से रुके हैं यहीं पे। ये लिया मैंने कढ़ी और कचौड़ी, 20 रुपए का दिया है एक कचौड़ी और कढ़ी, अब इसको खाते हैं और फिर अपना सफर आगे का तय करते हैं। आपके लिए थोड़ा उटपटांग लगेगा, लेकिन आप देखिए कढ़ी और कचौड़ी, ये कचौड़ी है और ये कढ़ी है, कढ़ी के साथ कचौड़ी, तो खा के देखते हैं। स्वाद तो अच्छी है, अब आपको कैसा लगेगा कमेंट में बताना खाकर। उससे पिछला टूल 80 का था, जिसके 170 का था, और ये कितने का देखते हैं, यानी 200 किलोमीटर में अपना दो टूल मिल गया। खाओ तो ले लो, चिल्ला रहा है, बंद करते ये देखो दोस्तों, ये आया अपना तीसरा टूल। दोस्तों आ गए हम लोग टूल पार करते ही यहाँ पे गन्ने के जूस की दुकान पे, जूस पीने के लिए। पानी खत्म, इसलिए जूस पी रहे हैं। ये देखो कैसे छोटा हाथी पे दुकान बना रखा है। क्या नाम है अंकल आपका है? क्या नाम है आपका? बाबूलाल है। देखो कैसे चाटा है, इस पे दुकान बना रखी है। ये आ गया अपना गन्ने का जूस। जूस पी के थोड़ा बहुत रेस्ट, मतलब हल्का हल्का रेस्ट ही लेके हम लोग चल रहे हैं। 2 से 3 मिनट हम रुके, गन्ने का जूस पिया, मन हो गया ताजा, क्योंकि उसमें था बहुत मजा भाई, गन्ने का जूस बहुत मीठा था यार,
मजा आ गया, ठंडा ठंडा जूस पी के आंखों में थोड़ी ताजगी सी महसूस हो रही है। तो अब खुले आम मजा लेंगे हम और चलते रहेंगे इस तरह से छोटे छोटे से लंच देते हुए, खाते पीते हुए चलते रहेंगे। देख सकते हम लोग कितना ज्यादा कम कम रेस्ट लेके दौड़े जा रहे हैं लगातार, और बस 1000 रुपए के चक्कर में, 1000 रुपए का इनाम है, 2000 रुपए का, उसके लालच में भग रहे हैं बस, सिर्फ 2000 रुपए के चक्कर में। लालच भी और अपनी जिम्मेवारी भी है क्योंकि कल एग्जीबिशन है तो वहाँ पे उतारना जरूरी है। ज्यादा मेन पॉइंट ये है कि जिम्मेवारी है, जिम्मेवारी ज्यादा मेन है। विश्वास दिया, जिम्मेदारी दिया, लेकिन विश्वास के उन्होंने जिम्मेदारी दिया तो मेरा काम है तो उनके जिम्मेवारी पे खड़ा उतरे, उनके काम पे बिल्कुल खड़ा उतरे ताकि वो हमें आगे भी ढूंढे जहाँ सरवर भाई ने कुछ करके गए। इसीलिए हम बिल्कुल मेहनत और लगन से काम कर रहे हैं और बिल्कुल कोशिश करेंगे कल सुबह 8 बजे गाड़ी वहाँ टेक दे। यदि हम टेक देंगे 8 बजे तो आप लोगों को भी जरूर दिखाएंगे हम।